सो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस दैट द मार्केट इज हाईली एफिशिएंट, द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इज वेरी हाई इज एट पार सभी को हर किस्म की फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं या सिक्योरिटीज हैं उनके बारे में कुछ भी हैपन होता है कोई भी उसमें चेंजेस आते हैं उनके प्रोफिटेबिलिटी के बारे में या लॉसिस के बारे में या रेवन्यूज़ के बारे में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो तमाम पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है लेकिन समटाइम्स व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड ऐसा नहीं है तो देर कैन बी सर्टन सिचुएशंस जिनमें जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एट पार नहीं है तो इस चीज़ की वजाहत करने के लिए एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के तीन फॉर्म्स डिफाइन किए गए हैं So, in this section, I will be talking about those three forms. Um, these three forms are the weak form of um, the financial market or efficient market hypothesis. Then we have got the semi-strong and the third one and the last one is the strong, efficient uh, um, financial market or uh, strong form of the efficient market hypothesis. Fine. Ab, one by one, I will be explaining what is this When we say that, द मार्केट इज़ सब्जेक्ट टू वीक फॉर्म एफिशेंसी यानी कि फर्स्ट टाइप उसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो करंट स्टॉक प्राइस है वो तमाम अवेलेबल इन्फॉर्मेशन रिप्रजेंट कर रही है जो किसी भी स्टॉक का करंट प्राइस है वो उस वक्त के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है लिहाजा इस पर्टिकुलर स्टॉक की जो पुरानी फ्लक्चुएशन हैं जो पुरानी मूवमेंट्स हैं हिस्टोरिकल जो डेटा है उसका पास परफॉर्मेंस है वो अभी की वैल्यू या प्राइस को या फ्यूचर की प्राइस ऑफ दैट स्टॉक को डिटरमिन करने में हमें मददगार साबित नहीं हो सकती तो ऐसे के सिचुएशन में हम क्या करते हैं वे लुक फॉरवर्ड हम वहाँ से ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में वट कुड बी दॉसिबलिटीज़ के इसकी आग आगे फ्यूचर में टी प्लस वन में टी प्लस टू में जाके इसकी प्राइसिस क्या होने वाली हैं और उसके लिए हमारे पास इस केस में टेक्निकल एनालिसिस इतना रेलिवेंट नहीं है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम फंडामेंटल एनालिसिस को इस्तेमाल करके फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं ये वो तरह की मार्केट्स हैं जिन आपको हिस्टोरिकल डेटा या पास परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक मदद नहीं दे सकता फ्यूचर के बारे में जानने के लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर एलाय करते हैं एंड दैट टाइप ऑफ ऑफ मार्केट इज़ कॉल्ड वीक फॉर्म एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट दैन वी हैव गॉड द सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशेंसी इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक प्राइस हैं वो पब्लिकली अवेलेबल तमाम तरह की इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करके डिटर्मिन हुई हुई है और इस किस्म के सिचुएशन में चूँकि पब्लिक में जितनी भी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट हुई हुई है किसी भी एसेट के बारे में स्टॉक के बारे में दैट इज़ नोन एंड द प्राइस आर रिफ्लेक्टिंग दैट इंफॉर्मेशन दैट इज पब्लिकली अवेलेबल हैंस इस सिचुएशन में यानी कि सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशेंसी वाली फाइनेंशियल मार्केट में इफ़ सम इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू टेक एन एडवांटेज कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहता है वो इस स्टॉक से तो चूंकि पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन सभी के पास है और वो प्राइस में रिफ्लेक्ट भी हो रही है तो इफ़ समबडी वांट्स टू मेक एक्स्ट्रा मनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक तो वो सिर्फ एक तरीके से हो सकता है कि उसके पास कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो और उसके लिए हम क्या करें कि यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो आपको इन्वेस्टर्स कैन नॉट यूज़ द फंडामेंटल एनालिसिस एंड आई हैव प्रीवियसली आई हैव यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस अभी मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रही हूँ एंड आई एम स्यूमिंग कि आपको पता है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस विच आर डन इन ऑर्डर टू हैव एन अ बेटर आइडिया अबाउट द वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जब आप स्टॉक्स में पैसा डाल रहे हैं तो आप दो तरह के एनालिसिस करते हैं वी हैव द फंडामेंटल एनालिसिस एंड द टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस में आप प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा लेते हो उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में और आप कहते हो कि प्रीवियस जो वैल्यूज़ हैं इसकी प्राइसिस हैं स्टॉक प्राइसिस हैं उनके अंदर किस किस्म की फ्लक्चुएशन हैं उसकी एवरेज प्राइस कैसी रही है पास्ट में तो दैट टाइप ऑफ़ एनालिसिस विच इज़ बेस्ड अपॉन द पास्ट परफॉर्मेंस और हिस्टोरिकल डेटा ऑफ़ दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज कॉल्ड द टेक्निकल एनालिसिस ऑन द अदर हैंड इसी तरह से इक्वली इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है फंडामेंटल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस में आप लेते हो रिटर्न ऑन एसर रिटर्न ऑन एक्विटी रेवेन्यूज इनकम किसी भी कंपनी ने कितने कमाए हैं उनके हिसाब से आप अपनी एनालिसिस करते हो जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं तो हमने कहा कि अगर हम किसी ऐसी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि आइडेंटिफाई हुई है एज़ वीक फॉर्म एफिशिएंट इसका मतलब है कि हम जो एसेट्स हैं उनके अंदर इंफॉर्मेशन सारी उनकी प्राइसेस में इंकॉर्पोरेट हुई हुई है उस कॉन्टेक्स्ट में वीक फॉर्म एफिशिएंसी वाली फाइनेंशियल मार्केट में आपको टेक्निकल एनालिसिस मदद नहीं देगा आपको फंडामेंटल एनालिसिस अलोन कैन हेल्प बिकॉज वहाँ प्रीवियस वैल्यूज़ मदद नहीं दे रही फ्यूचर के बारे में जानने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा ऑन द अदर हैंड अभी हमने डिस्कस किया कि अगर मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट है तो इस केस में हम कह रहे हैं कि पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प नहीं करने वाला राइट right? इसमें आप क्या कर सकते हैं इसमें आप टेक्निकल एनालिसिस को अकाउंट फॉर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर आइडिया बिकॉज पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इज़ देयर

और उससे कुछ इन्वेस्टर्स जिनके पास वो इंफॉर्मेशन आ जाए उससे वो बेच या खरीद सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को और उससे वो उनके पास कोई एक्स्ट्रा मनी आ सकती है अनदर इम्पॉर्टेंट अजाम्शन पर्टेनिंग टू सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशेंट फाइनेंशियल मार्केट इज दैट देर कुड नॉट बी एनी ओवर और अंडर रिएक्शन मीन्स बहुत बड़े तरह के फ्लक्चुएशंस इस किस्म के मार्केट में ऑब्जर्व नहीं होते और फिर मैंने आपको बोला कि जैसे शुरू में बताया था कि फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड अपॉन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन कैन नॉट हेल्प यू और द इन्वेस्टर्स इन ऑर्डर टू अचीव एबनॉमल रिटर्न बहुत ज़्यादा मनी आप इस किस्म की सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशेंट मार्केट में नहीं जनरेट कर सकते थर्ड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज़ द स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशेंट मार्केट इसका मतलब ये है कि जो प्राइस ऑफ अ स्टॉक है वो बहुत अच्छे तरीके से तमाम तरह की प्राइवेट और पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन प्राइवेट का मतलब है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में या कॉरपोरेशन में काम करने वाले लोग हैं मैनेजर्स हैं डिसशन मेकर हैं उनके पास जो इंफॉर्मेशन है और जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है और हमें पता है कि पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन फ़िल्टर्ड होती है कम होती है तो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन दोनों को इस्तेमाल करके दोनों को लेकर कर अकाउंट फॉर करके ही प्राइस डिटर्मिन होती है मार्केट फाइनेंशियल मार्केट हाईली एफिशिएंट का मतलब है कि किसी भी किस्म की हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं है राइट द प्राइस द इन्वेस्टर्स नो कि ये इसका जो स्टॉक है इसके फ्यूचर में किस किस्म के फ्लक्चुएस आने वाले हैं पास्ट में किस किस्म के लग, आ, क्या परफेक्ट एफिशिएंट है जैसे ही कोई भी कुछ हैपनिंग होगा तो इमीडिएटली उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में एडजस्टमेंट्स पैदा हो जाते हैं और उसके जो स्लाइट अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं प्राइस के इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस के गिर जाने से मार्केट में या बढ़ जाने से तो इमीडिएटली वैनिश हो जाएंगे बिकॉज लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो क्विकली डिसमिनेट हो जाता है अबाउट दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट बिकॉज द मार्केट इज़ हाईली एफिशियंट इसलिए हम कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशेंसी को क्लासीफाई किया प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इज़ इनफेक्टिव पब्लिक इन्फॉर्मेशन इज इक्वली नोन और यहाँ पे मार्केट को हम कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉगली एफिशेंट का मतलब है कि वो परफेक्ट है और यहाँ एफिशेंट मार्केट के ऑपरेशन की वजह से जो एक्सेसिव प्रॉफिट है उसको अर्न करना जनरेट करना इम्पॉसिबल है सो दिस इज़ How we can classify the, um, the strong form efficient financial market, the semi strong uh, efficient financial market, and the weak form efficient financial market.